हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आनंद और आपका स्वागत है हमारे चैनल पटना ब्लॉगर्स में। और हर बार की तरह फिर से मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार से टॉपिक पे वीडियो बना करके दिखाने लेके जा रहा। फ्रेंड्स, इसके पहले कि मैं आपको वीडियो आगे दिखाऊं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपको यूं ही ऐसे ही सभी अपडेट्स बिहार के और पटना के और आपके अपने शहर के मिलते रहें। हमारा चैनल बिहार और पटना के सभी अपडेट्स को देने के लिए बनाया हुआ है। तो मैंने आपको बताया ही था कि बिहार जो है अब अपनी नई नई सक्सेस स्टोरी लिख रहा है, और मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी ये दिखाना नहीं चाहती कि बिहार बहुत ऐसे डेवलप हो रहा है या डेवलपिंग है। तो बस हमेशा मीडिया बस यही रोना धोना लगाए रहती है कि बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आज मैं आपको फिर से पटना के पास बेहटा में एक जो नई फैक्ट्री बैटरी है उसके बारे में आपको अपडेट देने लेके जा रहा। और ये फैक्ट्री जो है बैठ चुकी है और इसमें मैन्युफैक्चरिंग का भी काम शुरू हो चुका है। और ये फैक्ट्री कोई और नहीं बल्कि सियाराम मिल्स लिमिटेड, सियाराम फैब्रिक्स की फैक्ट्री है। मैं पहले बता दूं, सियाराम फैब्रिक्स जो है ये एक मुंबई बेस्ड एक क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है ये, यानी कि कंपनी है। और यहाँ पे टेक्सटाइल्स यानी कि क्लोथ्स जो हैं बनते हैं, रेडीमेड क्लोथ्स बनते हैं। और ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है और ये कंपनी जो है बहुत ही पुरानी कंपनीज में से एक है। और मेरा बस यही आपको बताना था पर्पस इस वीडियो के जरिए कि पटना में और बिहार में बहुत सारे फैक्ट्रीज खुल चुके हैं और या खुलने वाले हैं जिसकी खबर आपको नहीं है, ताकि आपको हमारे इस वीडियो के थ्रू सभी खबर, सभी अपडेट्स मिल जाए कि कौन कौन से इंडस्ट्रीज, कौन कौन से फैक्ट्री पटना में बैठ रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि सियाराम फैब्रिक्स ने बिहटा में 100 करोड़ रुपये से फैक्ट्री डाला है अपना। और सियाराम फैब्रिक जो है वो इसके सीएमडी यानी कि चेयरमैन हैं रमेश पोद्दार जी, अभी इसके वर्तमान सीएमडी यानी कि चेयरमैन हैं। तो यही खबर है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देंगे, ताकि हम आपको यूं ही ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पर आपको और भी वीडियो बना करके दिखाते रहें। प्लीज़ फ्रेंड्स हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम यूं ही ऐसे ही आपके लिए नए नए टॉपिक्स पर वीडियो ला करके आपको दिखाते रहेंगे।